क्रोमो प्लास्ट में मैंने क्या कहा कि आप यहाँ पे जितने भी कलर देख पाते हो, जैसे एक एक हमारे पास ये क्या है, टोमेटो है, इसका कलर रेड होता है ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। तो व्हाइट कलर को छोड़कर एंड ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी कलर हम किसी फ्रूट के अंदर देखते हैं, फ्लावर के अंदर देखते हैं, वो सारे कलर किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे जस्ट ओनली एक छोटा सा पोर्शन दिखाया गया है कि क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, कलर्ड पोर्शन होता है, कहने का मतलब ये है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या चीजें हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट क्या है, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल। अब जैसे हमने वहां पे बात की थी कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस पिगमेंट का नाम है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। समझ आया आपको, जैसे हमने क्या बात की, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल, उस तरीके से क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट का नाम क्या है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट। एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट का एग्जांपल होते हैं लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट। यही क्या करते हैं, प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जो हमारे लीफ होते हैं, एक टाइम पे उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन एक ही टाइम पे कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा उनका कलर, आपने कभी कभी ऑरेंज भी देखा होगा, फिर कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि जो हमारा लीफ होता है वो येलो कलर का भी हो जाता है। तो ये जो ऑरेंज कलर आते हैं, येलो कलर आते हैं, ये आते हैं ड्यू टू दिस कैरोटीनॉइड पिगमेंट। तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर आप यहाँ पे इन पिगमेंट को अगर आप फैट के अंदर डालोगे तो ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, फैट का एग्जाम्पल क्या होता है, लाइक बटर, ऑयल ले लो आप। अगर आप किसी भी बटर में, मान लेते हैं कि आपने चलो ऑयल ले लिया एक कंटेनर में, अगर आप इस ऑयल में पानी डालोगे तो आपने देखा होगा कभी भी पानी जो है उस ऑयल के साथ वो मिक्स नहीं होता, कभी सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन अगर आप इस ऑयल के अंदर, इस फैट के अंदर अगर आप ये पिगमेंट डालोगे ना, तो ये इजिली वहां पे सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, दिस गिव द पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब जो हमारे पास प्लांट के पार्ट है उसको कौन कौन से कलर देते हैं, येलो कलर देते हैं, ऑरेंज कलर हो गया, रेड कलर हो गया। सो दे आर मोस्टली फाउंड इन द फ्लावर एंड द फ्रूट्स। फ्लावर एंड फ्रूट्स ही हमें क्या नजर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के नजर आते हैं। सो दे प्रोवाइड कलरेशन टू द ऑर्गन्स फॉर अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर। अब आपको पता होगा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले फ्लावर के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आप सबने 10th में पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे हम कहते हैं एंथर, और एक हमारे पास होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे हम कहते हैं कार्पल, इसे हम पिस्टल भी कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस पिस्टल का डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। तो इसके 3 पोर्शंस होते हैं टोटल। एक हमारे पास होता है ये वाला पोर्शन स्टिग्मा, ये हमारे पास एक लॉन्ग से जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं स्टाइल, और जो सबसे बेस में पोर्शन इसको हम कहते हैं ओवरी। तो ये हमारे पास फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम है कार्पल, ये उसके पार्ट्स के बारे में है। तो ये जो बेस में ओवरी होती है, इस बेस में ही ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है, और एग क्या होता है, फीमेल गैमेट। जैसे आपने सुना होगा ना, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, फीमेल के अंदर एग होता है, उसी तरीके से फ्लावर में भी यही चीज होती है। फ्लावर की ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम एंथर कहते हैं, इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये हमें ये बायलोब्ड नजर आ रहा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एंथर, और ये जो लॉन्ग स्टॉक नजर आ रही है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं स्टैमेन। स्टैमेन के ये 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब ये जो एंथर होता है, एंथर के अंदर ही क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, और उस मेल गैमेट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। एक प्लांट के अंदर जितने भी आप ये फ्रूट देखते हो ना, ये सारे फ्रूट कब बनते हैं,
जब ये पोलन ग्रेन इस एग के साथ क्या कर जाए, मीट कर जाए, मतलब इन दोनों का फ्यूजन हो जाए। अब फ्यूजन कैसे होगा, इस एंथर को यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर गिरना पड़ेगा। तो इसके जब ये एंथर जो है ना, जब इस स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो गिरने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि ये आपका विंड की वजह से गिर जाए। सेकंड मेथड होता है कि अपने आप ही गिर जाए। एंड कुछ मेथड होते हैं कि इसको जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स हेल्प करते हैं कि एंथर का ट्रांसफर हो जाए स्टिग्मा के ऊपर। कई केस में यहाँ पे इंसेक्ट हेल्प करते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करते हैं। तो पॉलिनेशन यही होता है कि ये जो एंथर है इसका इस स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो मान लेते हैं कि जब विंड पॉलिनेशन कर रही है, तो उसको तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे कि जो साथ में जो पेटल्स होते हैं ना, जो आप फ्लावर के अंदर कलर्ड पोर्शन देखते हो, उसको उसे हम कहते हैं पेटल, कि वो कलर्ड हो। लेकिन अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट कर रहा है, बर्ड कर रहा है, तो फ्लावर हमारा जितना ज्यादा सुंदर होता है ना, वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। तो इसीलिए अब देखिए, वहां पर जो पेटल का कलर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट ही क्या प्रोवाइड करता है, कलरेशन टू द ऑर्गन, मतलब पेटल्स को वो कलर प्रोवाइड कर रहा है। और बाद में किसमें हेल्प कर रहा है, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेटर कौन होता है, जो पॉलिनेशन करवाता है। जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन करवा रहे तो हम कहते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटर है, बर्ड अगर पॉलिनेशन करवा रहा है तो हम कहेंगे बर्ड पॉलिनेटर है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। आपने खुद भी बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी गार्डन में जाते हैं, हमें वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर नजर आते हैं। वो सारे फ्लावर के कलर हमें इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से नजर आते हैं। तो अगर जब हमें इतने सुंदर लगते हैं, हम उनकी तरफ इतने अट्रैक्ट होते हैं, तो जो इंसेक्ट होता है, बर्ड होता है, वो भी अट्रैक्ट होता है। आपने सुना होगा जो हनी बी होती है, वो भी क्या करती है, जो ये पेटल्स होते हैं वहीं से तो नेक्टर लेके जाती है, उसके बाद ही वो हनी बनाती है। तो अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, जो फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, जो उसका कलर्ड पोर्शन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड टाइप था प्लास्टिड का, वो है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसका नाम है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। अब लास्ट टाइप जो है हमारे पास, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमारा फ्रूट कैसा होता है, अनराइप। अब मुझे नहीं पता आप सबने देखा कि सबने कच्चा टमाटर देखा कभी, वो कैसा होता है, ऐसा होता है ग्रीन कलर का, टोटली अनराइप, अभी पका हुआ नहीं है। तो वो ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि जब वो इमेच्योर है उस टाइम पे आप देख पा रहे हो क्लोरोप्लास्ट की कंसेंट्रेशन देखो बहुत ज्यादा है उसके अंदर। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, काफी ज्यादा है अनराइप फ्रूट में। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये अनराइप फ्रूट क्या हो रहा है, राइप होता जा रहा है, मेच्योर हो रहा है, वैसे वैसे वहां पे क्लोरोफिल को कौन रिप्लेस कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में किसका एग्जाम्पल है, कैरोटीनॉइड का। समझ आया आपको, तो राइप फ्रूट में कैरोटीनॉइड होगा, मतलब क्रोमोप्लास्ट होगा, एंड अनराइप फ्रूट में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें एग्जाम्पल चला आता है क्लोरोफिल का। लेकिन बोथ आर प्लास्टिड्स। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्लास्टिड है उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको, तो ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस। कलरलेस, कलरलेस का मतलब क्या है, जिसके पास कलर है ही नहीं। तो जिसके पास कलर नहीं होता वो चीज हमें कैसे नजर आती है, व्हाइट, कभी कहा ना कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है, आपने बहुत बार आलू तो देखा ही होगा सबने, और आलू का जो ये व्हाइट वाला पोर्शन होता है, ये हमारे पास स्टार्च कंटेन करता है। जो जब हम आलू खाते हैं तो उसका जो पोर्शन हम ईट करते हैं उसे हम कहते हैं स्टार्च। और स्टार्च कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो ये व्हाइट क्यों है, ड्यू टू द ल्यूकोप्लास्ट। सबने गार्लिक देखा होगा, ये जितनी भी हम सबने जो व्हाइट वाली चीजें देखी है, वो व्हाइट चीज क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से जो भी हमारा प्लांट का मटेरियल है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो मेन इसका काम क्या है, फूड को स्टोर करने का, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, साइज होता है विद अ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। और क्या काम करते हैं, मेन काम क्या इनका, फूड को स्टोर करने का। जैसे आप देख सकते हो जो हमारा क्या है, पोटैटो है, पोटैटो के अंदर स्टार्च स्टोर करने वाला कौन है, ल्यूकोप्लास्ट है। जो हमारा गार्लिक होता है या बहुत सारे और भी हमारे पास वेजिटेबल्स होती है जो व्हाइट कलर की होती है, ड्यू टू द ल्यूकोप्लास्ट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज सेल में, जैसे रूट में,
सीड हो गया हमारे पास एंड अंडरग्राउंड स्टेम। आपको पता होगा जो हमारे पास ये आलू होता है, पोटेटो होता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम। सो दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड को स्टोर करने में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का रोल देखा गया है, उसी में ये पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे पास ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं और, ठीक है, इसके टाइप्स थ्री टाइप के होते हैं हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, जो यहाँ पे लास्ट में मेंशन है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, थ्री टाइप्स के होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फूड वो स्टोर कर रहे हैं। अब वो थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च है, फॉर एग्जाम्पल पोटेटो। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो पोटेटो के अंदर व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो स्टार्च होता है, और वो स्टार्च कौन कंटेन करता है, अमाइलोप्लास्ट। किसका टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने बहुत सारे फूड ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर ऑयल होता है, जिसे आप सबको पता होगा जो तिल होता है, तिल के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। मस्टर्ड के आपने सीड देखे होंगे, उसके अंदर सीड, उसके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऐसे सीड हमारे पास जो ऑयल कंटेन करते हैं, जो फैट कंटेन करते हैं, तो वो भी ल्यूकोप्लास्ट का ही टाइप है, बट उसको हमने एक नाम दे दिया है, नाम है इलेयोप्लास्ट। तो इलेयोप्लास्ट का स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट। और इसके अलावा लास्ट आता है इलेरियोप्लास्ट, जो स्टोर करता है प्रोटीन। आपने सुना होगा जो मोस्टली दालें होती है ना हमारे घर पे, जो हम खाते हैं, जो जितनी भी दालें होती है, सारी दालें किससे रिच होती है, प्रोटीन से रिच होती है। इसके अलावा जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन भी किससे रिच होता है, प्रोटीन से रिच होता है। तो जो प्रोटीन कंटेन करने वाला ल्यूकोप्लास्ट है, उसको हम नाम देते हैं इलेरियोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या हो गया, फूड को स्टोर करना। लेकिन वो फूड स्टोर अपनी रूट में भी कर सकता है, सीड में भी कर सकता है, और इवन स्टेम में भी कर सकता है। एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे पोटेटो का, कि पोटेटो के अंदर स्टार्च कंटेन होता है, और वो क्या है, एक स्टेम है। इसके अलावा हमारे पास जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मस्टर्ड के सीड का, कि मस्टर्ड के सीड क्या करते हैं, ऑयल कंटेन करते हैं। तो ऑयल कंटेन, इसमें सीड का एग्जाम्पल आ गया, और उसको हमने नाम दे दिया इलियोप्लास्ट। इसके अलावा मैंने बात की जो दालें वगैरह होती है, दालों वगैरह में क्या क्या स्टोर होता है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, प्रोटीन की फॉर्म में। तो जो प्रोटीन स्टोर करता है, उस ल्यूकोप्लास्ट को नाम देते हैं इलेरियोप्लास्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के टाइप्स थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। आप सबको समझ में आए? अगर किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज आप अभी पूछ सकते हो मुझसे। प्लास्टिक के जितने भी टाइप है, सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. सबको क्लियर है अच्छे तरीके से? कोई भी पोर्शन में डाउट हो तो प्लीज। अब अच्छा एक काम करते हैं, अब हमें जो डिटेल में स्ट्रक्चर करना है ना, अभी अब हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो एक बार मैं दोबारा आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, अगर आप भूल गए होंगे, कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है, और लीफ के भी किस पोर्शन में होता है, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में कौन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है, आई होप अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका क्लोरोप्लास्ट ही पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका ना 1 मिनट से कम टाइम रह गया, प्लीज आप दोबारा रीज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, ठीक है, ये अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अभी जो हम डिटेल में करेंगे, वो भी हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे जो ये वाली पिक्चर देख पा रहे हो, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल में ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके मेसोफिल सेल में। तो देख पा रहे हो ये क्या है, न्यूक्लियस, ईआर है, और ये सेंटर में क्या है, बहुत बड़ा, इसे कहते हैं वैक्यूल। और ये हमारे पास है गोल्जी बॉडी, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इस ग्रीन वाले पोर्शन को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट।